हमारे तीन सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। मुझे पता चला कि बहुत शौक है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, तो मैं निमंत्रण दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन तीन सवालों का जवाब जो है वो अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से दें, ताकि लोगों को भी पता चले, अखबारों को भी पता चले, अखबारों में छपे। तो सवाल क्या है? भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है? भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई? कुछ तो बातचीत हुई होगी कि भाई हम आपको 55 करोड़ रुपए देंगे, हम आपसे लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दे और वो आ जाए, नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड बाकायदा फिजिकली दिए जाते हैं पार्टी को, और 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड किसी को दिए हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पर रख गया और सुबह सुबह बीजेपी वालों ने दफ्तर खोला, अच्छा बॉन्ड पड़ा है, ओहो। बाकायदा देखे गए होंगे किसी मंत्री को, किसी अध्यक्ष को, और फिर बाकायदा उसके लिए बैंक के अंदर स्लिप भर के भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी के बॉन्ड को एनकैश कराया है। ऐसी छोटी बात तो नहीं है। 20,000 रुपए का गुप्त दान कोई दे गया, हमने रखी हुई थी मंदिर के बाहर दान पात्र, उसमें कोई डाल गया, ऐसा नहीं है, ये तो प्रॉपर हुआ है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भारतीय जनता पार्टी, बताए। दूसरा, भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से उसकी कंपनियों के माध्यम से लगभग 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा, क्यों लिए भाई तुमने इनसे पैसे? ये भारतीय जनता पार्टी दूसरे सवाल का जवाब दे। और तीसरा सवाल ये है, चलिए वो आए आपसे मिले, चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे बॉन्ड आ गए, चोरी छुपे ले लिए, जब आप रोज प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात अब तक क्यों छिपाई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात ईडी को, सीबीआई को और देश की जनता को क्यों नहीं बताई? बतानी चाहिए थी ना, अगर दाल में कोई काला नहीं था, सबको बताना चाहिए था। तो हमारे तीन सवाल हैं। पहला, कि ये शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानते हैं, कौन सा नेता मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, ये बताएं। दूसरा, इन्होंने इससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए लगभग, क्योंकि पूरा पैसा है 59.5 करोड़ रुपया। और तीसरा, इन्होंने ये बात जनता, ईडी और सीबीआई से क्यों छिपाई?